Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that in order to have a thriving and healthy democracy, politics should be debated and discussed at a sincere level while addressing a Diwali Milan program at BJP headquarters in the New Delhi. The PM also stressed that people of the country must be made aware whether a party's core values align with the principles of democracy or not. He said that journalists often tell the politicians about the bottlenecks and give concrete suggestions because they travel a lot. लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी राजनीतिक दलों की संगठन रचनाएं निर्णय प्रक्रियाएं इससे अभी देश उतना परिचित नहीं है. कभी न कभी मैं मानता हूं कि आप जैसे मित्र अध्ययन करके दल की रचना क्या है, दल का नेतृत्व कैसे पनपता है, नई पीढ़ी के लिए के लोगों को कैसे अवसर दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उनके कोर वैल्यूज का हिस्सा है कि नहीं है, ये कभी न कभी हमारे देश में डिबेट का इश्यू बनना चाहिए और व्यापक रूप से बनना चाहिए. अब ये तो सही है कि पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के विषय में तो चर्चा होती है और काफी कुछ बातें आती है बाहर, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी संगठन की रचना, उन संगठन में कार्य करने के तरीके, नया रिक्रूटमेंट, उनका वैल्यूज के संबंध में, आइडियोलॉजी के संबंध में, और जो कमियां होती है उस कमियों का कारण क्या होता है, मेरा अनुभव है कि मीडिया जगत के लोगों से फॉर्मल तो अपने अपने ड्यूटी के अनुसार हर कोई काम करता है. हम जहां बैठे होंगे हम हमारी भूमिका अदा करते होंगे, आप जहां होंगे आप अपनी भूमिका अदा करते होंगे, लेकिन जब इनफॉर्मल बैठते हैं तो हर एक के दिल में देश के लिए एक वेदना होती है, कुछ करने का इरादा होता है. दुनिया भर के लोगों से मिलते मिलते उनको लगता है कि भाई यहाँ आपकी बॉटल नेक नजर आ रही है, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी कोई कमी नजर आ रही है, आपने जरा प्रायोरिटी चेंज कीजिए. ये बातें आप ही लोगों से मिलती रहती हैं और उसमें वजन भी इसलिए होता है क्योंकि आप काफी जगह पर जाकर के आए होते हैं.